नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में शरीर में जमा हुई चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को गायब कर देने वाला एक बेहतरीन नुस्खा हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नुस्खा किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ये आपकी चर्बी को और कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जिससे आप अपना मोटापे से भी राहत पा सकते हैं। और दोस्तों, ये जो नुस्खा है, सबसे पहले आपको बता दें कि इस नुस्खे में हम उपयोग करने वाले हैं बैंगन के पानी का। जी हाँ दोस्तों, कई लोग हो सकता है इस नुस्खे को जानते हों, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो लोग भी इस वीडियो के बाद इस नुस्खे को भली भांति जान लेंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से मोटापा और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में मदद मिलती है। इस घरेलू नुस्खे में बैंगन का पानी बनाया जाता है, जिससे जमी हुई चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में आसानी होती है। दोस्तों, बैंगन का पानी एक ऐसी किस्म की दवाई है जो नेचुरल तरीके से आपका खून साफ कर देगा और मोटापे को गायब कर देगा। इस हेल्दी ड्रिंक में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर पाए जाते हैं, जो शरीर में जमा खतरनाक लिपिड को बाहर निकालता है और कैलोरी को बर्न करता है। इसमें फाइबर पाया जाता है जो पेट की गैस और कब्ज़ को भी दूर करता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम भी होते हैं, जिससे शरीर में खून की कमी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बैंगन का पानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि बैंगन का पानी बनाने का क्या तरीका होता है, ताकि आप लोग भी इस चीज़ से इस फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। दोस्तों, इसके लिए आपको एक मीडियम साइज़ का बैंगन की ज़रूरत होगी, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। उसके अलावा एक नींबू चाहिए, एक गिलास कंटेनर चाहिए और उसमें एक लीटर पानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बैंगन का पानी किस प्रकार से बनाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले बैंगन को एप्पल साइडर विनेगर या फिर मीठा सोडा में आपको धो लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके एक इंच के टुकड़े काट लेने हैं। इस बैंगन के टुकड़ों को गिलास कंटेनर में आपको डाल देना है और इसमें पानी आपको भर देना है। अब नींबू का रस इसमें निचोड़ देना है। फिर इस ड्रिंक को रात भर के लिए आपको फ्रिज में रख देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पानी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा ये सारी प्रोसेस करने के बाद। अब बात आती है कि पानी तैयार हो गया, अब इसको पीने का क्या तरीका होता है, तो वो भी अब आपको बता देते हैं। ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, शरीर की अंदरूनी सफाई करने के लिए इस ड्रिंक को आपको महीने में 5 से 6 बार पीना है। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ नहीं, महीने में केवल 5 से 6 बार। और दोस्तों, 1 लीटर ड्रिंक को थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके आपको पीना है। इसे खाने से पहले पिए अच्छा परिणाम पाने हेतु भोजन में ढेर सारी सब्जियों को आप शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैदा और फास्ट फूड से आपको परहेज करना है, क्योंकि आप मोटापा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप ये नुस्खा आजमाएँगे, इस नुस्खे को आजमाते हुए आप मैदा और फास्ट फूड जैसी चीज़ें खाना नहीं छोड़ेंगे, तो ये नुस्खा आपके लिए असर नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था बैंगन के पानी का वो नुस्खा जिसके ज़रिए आप अपने मोटापे से निजात पा सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।